नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर राजधानी पटना से है, जहां रालोजपा प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान की द्वितीय पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कई दिग्गज नेता पहुंचे और स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं रालोजपा के मीडिया प्रभारी सह कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आप सुने। हम लोग आज ऐसे एक नेता के द्वितीय पुण्यतिथि में उपस्थित हैं कि जो भारत के सेकंड अंबेडकर के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति थे, और उनका रहना आज बहुत आवश्यक था। वो हम लोग के बीच में नहीं है, हम लोगों को बहुत खला, और आज का जो भीड़, आज का जो पार्टी का आयोजन आप लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जिंदे हैं, हमारे बीच में कहीं ना कहीं से खड़े होकर मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को दे रहे हैं। खबर राजधानी पटना से है, जहां फ्रेजर रोड के यूथ हॉस्टल में अखिल भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघ के संयोजक पवन देव चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रवंशी ने कहा कि मैं बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य था और आज अपना त्याग पत्र बीजेपी को दिया। त्याग पत्र देते ही चंद्रवंशी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चंद्रवंशी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा की और विरोधी है। वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर एलबी सिंह ने कहा कि वोट लेते समय मोदी जी जन की बात करते हैं और गद्दी पर बैठने के बाद मन की बात करते हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा, जगह जगह पर इसको जो है अब जो है टॉर्चर किया जा रहा है। कोई भी जो जितना अति पिछड़ा और पिछड़ा के हक है वो मिल नहीं रहा है। कहीं पर भी जो है मोदी जी जो है जिस समय वोट निकलने लेने के लिए निकलते हैं उस समय जन की बात करते हैं, और जब वोट लेकर के जब गद्दी पर बैठ जाते हैं तो वो अपना मन की बात करते हैं। तो अब जो है कि अति पिछड़ा और पिछड़े लोग जो हैं अब जाग चुके हैं, वो लोग समझ चुके हैं कि जिस समय उनका ज़रूरत रहता है तो जन की बात करते हैं, और जब उनका ज़रूरत खत्म हो जाता है तो अपना मन की बात करते हैं। जातिगत जनगणना तो बीज है, अगर जातिगत जनगणना ये करा लिए होते और जो वादा किए थे वादा से मुकर गए, अगर ये करा दिए होते तो आज बिहार के अंदर जो अति पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ, आरक्षण के ऊपर जो है रोक लगाई गई नगर निकाय के चुनाव में, मैं पूरी शिद्दत से कहता हूँ कि किसी स्पष्ट से आप पूछ लीजिए, ट्रिपल टेस्ट की अगर बात है, पूरे जातिगत जनगणना में सभी मापदंड को पूरा किया जाता है जनगणना, और अगर हो जाता और उसकी प्रकाशन के दिशा में अगर भारत सरकार अगर बढ़ती रहती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रोक नहीं लगाई जाती। बेगूसराय में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना होते होते टल गई, जब मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। मामला बरौनी कटिहार रेलखंड के लखमीनिया स्टेशन की बताई जा रही है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से दर्जनों लोगों के हत्थे एक मोबाइल चोर चढ़ गया और उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। मौके पर मौजूद कई लोगों ने इस दौरान अपना हाथ साफ किया। बाद में स्टेशन पर ही मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उक्त युवक को वहां से भगा दिया गया। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र के बंडाचक गांव से सटे नदी किनारे एक व्यक्ति की सरकटा शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, कटे हुए सर की खोजबीन पुलिस कर रही है। हमने नदी में तो सूचना दिया, हम लोग के भी थाना के दिया, तो हम लोग वहाँ जग गए पूरा थाना के साथ में, तो नदी में लहास पड़ा हुआ था, सिर नहीं था, लंगा स्थिति में था, तो सिर अभी खोजा जा रहा है, लहास को हम लोग लेकर के चलाए नवादा। बॉडी पूरा नंगा था? नंगा था। क्या लगता है? अभी नहीं पता चल रहा है कहाँ के लहास है, कहाँ से आए, कौन थाना से? नरहट थाना से। क्या नाम होगा आपका? देव प्रसाद चौकीदार। चंडी थाना क्षेत्र का योगिया मोड़ घंटो रण क्षेत्र में तब्दील रहा। आए दिन सड़क हादसे में मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड ब्रेकर की मांग को लेकर जमकर उत्पात मचाया। युवकों की टोली योगिया मोड़ पहुंचकर SH-78 पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर खड़ी वाहन के शीशे तोड़कर टायर का हवा भी निकाल दिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को हेलीकॉप्टर के जरिए गिरियक के घोड़ा कटोरा पहुंचे, जहां उन्होंने वाटर रिजर्वायर का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने घोड़ा कटोरा जलाशय को एक नया नाम दिया है। अब घोड़ा कटोरा स्थित वाटर रिजर्वायर गंगा जी राजगृह के नाम से जाना जाएगा। हम तो पहले ही चाहते थे लेकिन उसमें कुछ किया नहीं, लेकिन जब 2020 में आपको मालूम है जल जीवन हरियाली अभियान उसी समय तय किया कि गंगा जल की आपूर्ति हम करेंगे यहाँ राजगीर में, गया में, बोध गया में और नवाद, तो आप वहाँ के लिए भी अब पानी घुसने लगा गया बोध गया उसका भी नाम कर दिए हैं गंगा जी गया जला, इसलिए कि गंगा जी भी कहलाता है और गंगा जी गया जी गंगा जी गंगा जी गया। खबर वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड से है, जहां घर का दीवार गिरने से एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना सहदेई प्रखंड क्षेत्र के सराय धनेश वार्ड संख्या 3 की बताई जा रही है। मौके से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चा घर में खेल रहा था, इसी दौरान घर का दीवार गिर पड़ा। मसौढ़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 14 पियक्कड़ और 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि शराबियों और धंधेबाजों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी मसौढ़ी पुलिस ने कर ली है। छापेमारी के दौरान मसौढ़ी पुलिस ने 40 लीटर देशी शराब तो वहीं हजारों लीटर जावा महुआ को भी नष्ट किया है। पुलिस ने एक लग्जरी कार से 120 लीटर देशी महुआ शराब भी बरामद किया है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज़। नमस्कार।